दुमका लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत जामताड़ा जिले के दुलादी झामुमो जिला कमेटी द्वारा बूथ स्तरीय बैठक की गई, जिसमें कई मंत्री सहित सांसद और पार्टी पदाधिकारी शामिल हुए। इस मौके पर मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि झारखंड की अस्मिता की लड़ाई है, हर एक आदिवासी गरीब पीड़ित वंचित शोषित के हक अधिकार की आवाज कभी कमजोर नहीं होगी। हमारे संघर्ष का मकसद सकारात्मक परिणामों को साधना है। हम एक नए संभावनाओं के साथ अग्रसर हो रहे हैं और ये बैठक उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए नई ऊर्जा देने वाली है। उन्होंने कहा कि यहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह देख यह तय हो गया है कि दुमका लोकसभा से इंडिया गठबंधन की जीत काफी बड़े अंतर से होगी। देखिए, ये इंडिया महागठबंधन के जश्न का माहौल है यहाँ, और प्रचंड बहुमत से हम लोग जीतने जा रहे हैं। जामताड़ा हो, दुमका हो, गुड्डा हो, धनबाद हो, गांडे हो, गिरिडीह हो, अजीब सा उत्साह अंदर करण के ये लहर दौड़ गया है। आज मैं अपने तमाम साथियों को कहना चाहता हूँ, बीजेपी और बाबूलाल जी और भानु, मैं बाबूलाल जी को कोट नहीं करा था लेकिन बाबूलाल जी ने मुझे कोट कर दिया। मैं बाबूलाल जी को कहना चाहता हूँ, बाबूलाल जी याद रखिएगा, भगवान राम जो है वो सबका है। मैं एक मुस्लिम विधायक हूँ लेकिन मैं भगवान राम का सम्मान करता हूँ। आप लोगों को ये असली चेहरा है, कल्पना भाभी जाके देखिए। मैं बाबूलाल भानु को कहना चाहता हूँ, सुन लो भानु आ जाओ, मेरी भाभी कल्पना जी को देख लो, देखने में लगती है माँ